मुद्रीकरण करने के लिए राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना को दी मंजूरी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज आठवां दिन, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा इस बार पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिए बिना होगा राज्य में पंचायत चुनाव। प्रदेश भाजपा प्रभारी दिलीप सैकिया की मौजूदगी में हुई प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक, संगठन की शक्ति को और अधिक मजबूत बनाने की बनाई गई रणनीति। और कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता, कई दिनों बाद फिर से राजधानी रांची में सक्रिय संक्रमितों की संख्या पहुंची 100 के करीब। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अशीता आनंद और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। दर्शकों से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन चार सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहने, दो गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज आवश्यकता से अधिक यानी सरप्लस भूमि का मुद्रीकरण करने के लिए राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम NLMC की स्थापना को मंजूरी दी है। ये 5,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक शेयर पूंजी और 150 करोड़ रुपए की चुकता शेयर पूंजी के साथ एक पूर्ण स्वामित्व वाला सरकारी उद्यम होगा। यह निगम आवश्यकता से अधिक भूमि, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम और अन्य सरकारी एजेंसियों की संपत्तियों का मुद्रीकरण करके पर्याप्त राजस्व जुटाने में सक्षम होगा। के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। इस सहयोग के तहत मुख्य फोकस तपेदिक, परजीवी संक्रमण, HIV, एड्स, एलर्जी रोग, प्रतिरक्षा प्रणाली रोग, अनुवर्ती रोगों पर है। भारत सरकार और अमेरिकी सरकार संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इस समझौता ज्ञापन के तहत गतिविधियों के लिए धन सहायता प्रदान कराएगा। राज्य के संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि झारखंड में इस बार पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बिना पंचायत चुनाव होगा। भाजपा के रामचंद्र चंद्रवंशी द्वारा ध्यानाकर्षण के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में श्री आलम ने यह भी बताया कि 13 अधिसूचित जिलों में भी पेसा की व्यवस्था के बिना ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा। तो ये जनवरी महीना और हम पंचायत चुनाव तैयारी करने के लिए पिछले कुछ दिनों से लगे हुए थे और जब वो चिट्ठी आए उस चिट्ठी को हम लोग अध्ययन किए और अध्ययन करने के पश्चात एक निर्णय लिया गया कि इसमें दो पॉइंट लिखा हुआ था। एक था कि आप जो है ओबीसी का आरक्षण को ट्रिपल केस करा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया था कि अगर वहां पर पंचायत चुनाव लंबित है या बहुत जरूरी है वैसे स्थिति में ओपन करके आप चुनाव करा सकते हैं। जहां तक मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे शायद माननीय सदस्य को पता नहीं होगा कि माननीय मध्य प्रदेश में पहली चुनाव जब कराने गया था तो सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दायर किया और उसको निरस्त कर दिया कि नहीं, ट्रिपल टेस्ट ओबीसी के माध्यम से किया जाएगा। जब दोबारा उन्होंने तैयार करके दिया मध्य प्रदेश सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर खारिज किया है और खारिज कराकर कहा कि आप ये जो टेस्ट सही नहीं हुआ है आप इतना दिनों के अंदर आप चुनाव करा दिए, वो भी हम माननीय सदस्य को देना चाहेंगे। भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत में राज्य में जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराने की मांग की। एक सॉलिड बिजली जो है लोगों को मिल पाया आसानी से, क्या कहें? देखिए क्या है कि ये सरकार और सरकार के सत्ताधारी विधायक ये मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते हैं, ये हकीकत पे बात नहीं करना चाहते हैं। अब DVC का बकाया था, पैसा काट लिया तो ये कौन सा गुनाह है? मैं आपसे पूछता हूँ, आपका पैसा मेरे पास बकाया है, आप अगर ले लेते हैं तो यह गुनाह है क्या? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप बिजली लेते हैं बदला में पैसा आप देते हैं कि नहीं देते हैं? तो ये बात कहीं से लॉजिकली सही नहीं कि DVC का पैसा काट लिया गया, DVC का पैसा काट लिया गया। अरे काटा तो क्यों काटा? आपने उनसे बिजली लिया, बिजली का पैसा उन्होंने लिया, ये कौन सा गलत बात है? आप इसको मुद्दा बना रहे हो, आप ये बात है ये
राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने कहा है कि उर्दू अकादमी का गठन जल्द कर लिया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरफराज अहमद के प्रश्न के उत्तर में कहा कि वक्फ बोर्ड का भी गठन जल्द ही कर लिया जाएगा और मदरसा बोर्ड के गठन के मसले पर भी शिक्षा विभाग से बातचीत कर 3 महीने में प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इधर झारखंड विधानसभा की कार्यवाही के दौरान आज भाजपा विधायक अनंत ओझा ने कार्य स्थगन प्रस्ताव के जरिए राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों से संबंधित मुद्दा उठाया। सदन के बाहर पत्रकारों से भी श्री ओझा ने कहा कि राज्य के कई जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से NRC अपडेशन के कार्य में गति लाने का आग्रह किया। झारखंड विधानसभा के अंदर हमने जो प्रदेश के अंदर खास करके साहेबगंज जिला, पाकुड़ जिला और कह सकते हैं कि वर्तमान राज्य की जो राजधानी है रांची के अंदर, रांची जिले के अंदर जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा जो समाज विरोधी कृत्य हो रहे हैं, राष्ट्र विरोधी कृत्य हो रहे हैं, देश विरोधी गतिविधियों का संचालन में ये बांग्लादेशी घुसपैठिए पाए जाते हैं, इसको लेकर के हमने आज विधानसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया था। और कार्यस्थगन के पीछे उद्देश्य था कि इन गतिविधियों को जिस प्रकार से राज्य की वर्तमान हेमंत सोरेन जी की सरकार वोट बैंक की राजनीति को पोषित करने के लिए, अल्पसंख्यकवाद को पोषित करने के लिए जो तुष्टीकरण का सहारा ले रही है, इसलिए ऐसे घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए 1951 की जनगणना और 1952 की मतदाता सूची को आधार बना करके इन घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए राज्य सरकार विशेष करके साहेबगंज पाकुड़ जिला सहित संताल पड़ना में इसको चिन्हित करने के लिए NRC अपडेशन की प्रक्रिया। राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि कोरोना काल में मार्च 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक आवेदित स्कूल बसों को पथकरों की छूट प्रदान की गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मथुरा प्रसाद महतो के एक प्रश्न के उत्तर में श्री सोरेन ने बताया कि उसके बाद पथकर छूट देने के मामले में सरकार जिलों से विभागीय पदाधिकारियों से रिपोर्ट मंगाकर जल्द फैसला लेगी। इधर विधायक प्रदीप यादव ने आज विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल के दौरान सभा सचिवालय द्वारा सवाल के चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए। विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले में जांच के बाद उचित कार्यवाही का भरोसा दिया। रुक करते हैं अगली खबर का। इधर राजसू पार्टी के विधायक लंबोदर महतो ने आज विधानसभा के बजट सत्र में पोषण सखियां और रसोईया बहनों के मामलों को उठाया। उन्होंने सदन के माध्यम से पोषण सखियों और रसोईया बहनों की मांगों को पूरा करने की मांग की। उन्होंने इस विषय को शून्यकाल में उठाया और इसे लेकर कार्य स्थगन का प्रस्ताव भी लाया। भोजन अवकाश के बाद दूसरी पाली में विधानसभा में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा हुई। विभिन्न विभागों के अनुदान मांगों पर वाद विवादों में पक्ष विपक्ष के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। चर्चा के बाद सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि सरकार हर घर तक नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। परिवारों को नल के माध्यम से सतही जल सतही स्रोत आधारित 237 बड़ी योजनाएं एवं भूगर्भीय स्रोत आधारित 49,511 जो बिजली से नहीं सोलर से चलेंगी, सोलर योजनाएं अर्थात टोटल कुल 49,748 योजनाओं के लिए कुल 18,125 करोड़ का DPR हम लोगों ने स्वीकृत करा लिया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि अध्यक्ष महोदय। और भाजपा के झारखंड प्रभारी दिलीप सैकिया की मौजूदगी में आज रांची स्थित पार्टी कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में संगठन की शक्ति को और अधिक बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा हुई। रांची में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की हुई बैठक में झारखंड भाजपा के दिलीप सैकिया ने कहा कि बैठक में संगठन की शक्ति को और अधिक मजबूत करने की रणनीति बनाई गई है, साथ ही देश विरोधी और जन विरोधी ताकतों के खिलाफ आंदोलन की योजना भी बनाई गई है। प्रदेश के जो राजनीतिक परिस्थिति है, पॉलिटिकल सिनेरियो है, ये जो सरकार हेमंत सोरेन JMM कांग्रेस का जो नेतृत्व वाली सरकार, ये सरकार केवल जन विरोधी नीतियां ले रही से नहीं, देश विरोधी ताकतों को भी ये सरकार ने मदद दे रही है। इसलिए ये सरकार के खिलाफ एक प्रबल जन आंदोलन
हम शुरू कर रहे हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि पार्टी चाहती है कि राज्य में जल्द से जल्द पंचायत चुनाव हो और इस दिशा में बूथ लेवल कमेटियों को मजबूती और विस्तार देने की योजना पर भाजपा काम कर रही है। रोड मैप के तहत जहां संगठनात्मक विस्तार, बूथों तक हम कैसे पहुंचे, बूथ को सक्रिय कैसे करें, बूथ की कमेटी को हम जीवंत कैसे बनाए, उसकी भी चर्चा हुई। आगामी पंचायत के चुनाव के दृष्टिकोण से भी हम सब लोगों ने एक योजना बनाया है। भाजपा की प्रदेश प्रभारी झारखंड दौरे पर हैं। कल उन्होंने गुमला और रामगढ़ में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। आज प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में उन्होंने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। बेरोजगारी और राज्य में बढ़ते अपराध समेत अन्य कई मुद्दों को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज राजधानी रांची में उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया। इस मौके पर उप महापौर संजीव विजयवर्गीय ने कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं को छलने का काम किया है। जनता का भला किसमें होगा? हम कौन सी ऐसी योजना लगाए जिसे जनता का भला भी हो, आपस में फूट और किन किन मांगों को लेकर खड़े हुए? बेरोजगारों को आज तक ना तो रोजगार दिया गया, ना बेरोजगार भत्ता दिया गया। आपराधिक घटनाएं घट नहीं रही है। आज कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे बहुतायत जनता को फायदा हो सके। आज इसी को लेकर हम लोग यहाँ धरने में बैठे। आगे क्या प्रतिक्रिया लगातार पूरे रात। और बात कोविड की। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड 19 के 4,575 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के फिलहाल 46,962 सक्रिय मामले शेष हैं। इधर राजधानी रांची में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में कोविड के 75 नए मरीजों की पहचान की गई है, जिसके बाद सक्रिय मामलों की संख्या 3 गुना बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 274 हो गई है। कोरोना के जोखिम को कम करने के लिए झारखंड समेत देश भर में बिना रुके बिना थके टीकाकरण अभियान जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश भर में 1,79,00,000 से अधिक वैक्सीनेशन हुआ है। इधर झारखंड में अब तक 3,73,22,697 कोविड रोधी टीके दिए जा चुके हैं। राज्य में 60 साल से अधिक उम्र के लोग और कोरोना वॉरियर्स बढ़ चढ़कर बूस्टर डोज भी ले रहे हैं। सिमडेगा के नगर भवन में भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय से संबद्ध नेहरू युवा केंद्र की ओर से जिला युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में युवाओं को कौशल विकास, नशा मुक्ति और ई श्रम कार्ड समेत अन्य कार्यक्रम के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। सिमडेगा में युवाओं के कौशल विकास को लेकर आयोजित सम्मेलन में जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से काफी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। मौके पर जिला श्रम पदाधिकारी पुनीत मिंस ने ई श्रम कार्ड के बारे में युवाओं को जानकारी दी। ये माध्यम से उनके खाते में पैसे आते हैं, साइकिल खरीदने के लिए पैसा आता है, 7 साल हो जाने के बाद उनका पेंशन है, अपने बाल बच्चों को जो लोग ग्रामीण कुटुंबियां हैं उनके लिए छात्रवृत्ति जाती है, तो ये सब लाभ उनको निबंधन कराने के पश्चात ही प्राप्त होता है। श्रम विभाग युवा सम्मेलन में वक्ताओं ने नशे से दूर रहने और कौशल विकास कर आत्मनिर्भर बनने की बात कही। युवाओं को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के बारे में भी बताया गया। खजूर का ये बनाता है तो
उसका जो भी एक प्रोटीन का बहुत बढ़िया सोर्स होता है, लेकिन जो आप बोल रहे हैं उसमें जो फन करके ये बनाया दारू बनाया जाता है। युवा सम्मेलन के प्रतिभागी पंकज कुमार सिंह और सुरजन नायक का कहना है कि इस आयोजन में भाग लेने से उन्हें कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। आज का प्रोग्राम नेहरू युवा क्लब सम्मेलन था, बहुत ही अच्छा लगा प्रोग्राम में। उसमें बताया गया कि नशा मुक्ति, कौशल विकास, नशा पान और स्किल के बारे में बताया गया। तो नशा पान में ये बताया गया है कि जैसे आज के इस युवा पीढ़ी में ज्यादातर नशा की ओर, गुटखा, शराब, इन सब के लत लग चुका है। तो यहाँ पर इस शराब से होने वाली हानिकारक के बारे में बताया गया। तो इस प्रोग्राम के द्वारा हमको उम्मीद है कि इस गलत रास्ता को छोड़कर सही रास्ता पर आने का प्रयास करेंगे, जिससे हम अपना देश के भविष्य को संभाल सकें या संवार सकें। इस तरह के सम्मेलन के आयोजन से युवा शक्ति सही दिशा में आगे बढ़ेगी। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा मनु की रिपोर्ट। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत रांची के अवर प्रादेशिक नियोजनालय में रोजगार मेला का आयोजन किया गया, जिसमें कई कंपनियों ने हिस्सा लिया। इसमें बड़ी संख्या में बेरोजगारों ने अपना निबंधन कराया। रोजगार मेले में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रम विभाग के संयुक्त सहायक निदेशक ऋषिकांत मिश्रा ने बताया कि बड़ी संख्या में कंपनियों ने युवाओं को रोजगार देने की बात कही है। रोजगार मेले में हिस्सा लेने आए युवा काफी खुश नजर आए और ये उम्मीद जताई कि उन्हें अच्छी नौकरी मिलेगी। और कार्यालय में भी है, यहाँ पर इस भर्ती केंद्र में सम्मिलित होने के क्रम में नक्सली संगठन टीएसपीसी के कमांडर अभय यादव ने आज पलामू पुलिस के समक्ष हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया। सरेंडर करने वाले नक्सली के खिलाफ विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। चतरा के टंडवा में स्थापित एनटीपीसी में रैयतों और ग्रामीणों द्वारा सुरक्षा बलों पर हमला तथा कार्यालय में तोड़फोड़ के साथ गाड़ियों में आगजनी मामला धीरे धीरे और पेचीदा होता जा रहा है। घटना के बाद 200 से अधिक हमलावरों के विरुद्ध टंडवा थाने में एफआईआर दर्ज कराने के बाद एनटीपीसी प्रबंधन ने उनके मुआवजा संबंधित किसी भी तरह की मांग को मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। मामले में एनटीपीसी के मुख्य संपदा अधिकारी एनजे सिंह ने आंदोलनकारियों की मांग को नियम विरुद्ध बताते हुए कहा कि एक ही जमीन के लिए बार बार मुआवजा का भुगतान नहीं किया जा सकता है। अधिनियम के अंतर्गत जिला प्रशासन ने अधिग्रहित करके दिया और एक तिहाई राज्य सरकार ने ट्रांसफर किया। जो जमीन भू अर्जन कार्यालय जिला चतरा द्वारा अधिग्रहित किया गया, उसकी अधिग्रहण 2004 में शुरू की गई थी और उसका अवार्ड राशि जो जिला प्रशासन द्वारा तय की गई थी 1,16,000 रुपए प्रति एकड़ से लेकर के 3,28,000 रुपए एकड़ था, डिपेंडिंग अपन सर्कुलेट 6 गाँव के। लेकिन उस टाइम 2006 की बात है, यहाँ के रैयत लोग एनटीपीसी के समक्ष अपना पक्ष रखे कि हमारा मुआवजा बहुत कम है, ये है। तो उस टाइम में एनटीपीसी ने पूरे 6 गांव का एकरूपता लाते हुए 4,35,000 रुपए प्रति एकड़ देने के लिए ग्राम विकास सलाहकार समिति के माध्यम से एडिशनल कलेक्टर चतरा की अध्यक्षता में हुई थी दिसंबर 2006 में। उसमें 4,35,000 रुपए का मुआवजा राशि तय किया गया और एनटीपीसी ने उस मुआवजा राशि को वितरित कर दिया सबको दो, और उसके बाद जमीन का हमको पोजीशन मिल गया था। यहाँ के रैयत लोगों ने फिर 15-15 मांग शुरू कर दिया। एनटीपीसी ने फिर दरिया दिल्ली दिखाते हुए 15 लाख रुपए एक रूपता के हिसाब से रेट मान लिया, और जिन लोगों 4,35,000 रुपए के हिसाब से मुआवजा वितरित हो चुका था
उनको भी 10,65,000 रुपए प्रति। और अब बात मौसम की। राज्य में पिछले 24 घंटों में मौसम शुष्क रहा। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 15 मार्च तक रांची समेत राज्यभर में मौसम सामान्य तौर पर शुष्क ही रहेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया। आजादी के सफर के आज की कड़ी में देखते हैं समाज सुधारक झवेर चंद कालिदास मेघाणी के बारे में। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी और समाज सुधारक झवेर चंद कालिदास मेघाणी का स्मरण कर रहे हैं। उनका निधन 9 मार्च 1947 को हुआ था। महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रीय शायर कहा था। मेघाणी स्वयं को पहाड़ नू बालक कहते थे। उनका जन्म 29 अगस्त 1896 को सौराष्ट्र के चोटीला कस्बे में हुआ था। प्रसिद्ध लोक कवि झवेर चंद ब्रिटिश राज के दमन के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए गुजराती लोकगीत गाते थे। इसके साथ ही वे देश की लोकगीत परंपराओं को जीवित रखने का कार्य भी कर रहे थे। मेघाणी ने 1930 में देशभक्ति के 15 गीतों का संग्रह निकाला, जिसमें नमक और धोलेरा सत्याग्रह की सराहना की गई। ब्रिटिश प्रतिबंध लगा दिया और उसकी सभी प्रतियां जब्त कर ली, लेकिन लोगों की क्रांतिकारी भावना के कारण उनकी आवाज दबाई नहीं जा सकी और पुस्तक की प्रतियां गुपचुप वितरित की जाती रहीं। अंग्रेजों ने उन पर झूठे आरोप लगाकर 28 अप्रैल 1930 को विशेष अदालत में उपस्थित होने का समन भेजा। उन्हें 2 वर्ष की सजा देकर साबरमती जेल भेजा गया, लेकिन गांधी इरविन समझौते के बाद 1 वर्ष में ही रिहा कर दिया गया। दूसरे गोल में सम्मेलन के लिए इंग्लैंड रवाना होने की पूर्व संध्या पर गांधी जी को लगा कि अंग्रेज उनकी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग स्वीकार करने के इच्छुक नहीं है। मेघाणी ने तुरंत चिल्लो कटोरो नामक कविता लिखी, जिसका मतलब था विष का आखिरी प्याला। उसे पढ़कर गांधी जी ने तुरंत कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि मेघाणी मेरी आत्मा में प्रवेश कर गए हैं और इस कविता के माध्यम से मेरे मस्तिष्क को पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। तभी उन्होंने मेघाणी को राष्ट्रीय शायर का खिताब दिया था। क्रांतिकारी कवि झवेर चंद निरंतर स्वाधीनता संघर्ष में संलग्न रहे, लेकिन वे देश में बढ़ते सांप्रदायिक वैमनस्य से भी व्यथित थे। संभवतः इसी दुख के कारण उन्हें हृदयाघात हुआ और 9 मार्च 1947 को वे इस दुनिया से विदा हो गए। महान राष्ट्रवादी को श्रद्धांजलि। हम राष्ट्रवादी बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 9 मार्च 1997 को हुआ था। रेड्डी का जन्म में नेल्लौर जिले में हुआ था। रेड्डी स्कूली शिक्षा छोड़कर स्वाधीनता संघर्ष में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित शांति निकेतन में पढ़ाई पूरी की। इसी समय उन्हें गुरुदेव ठाकुर के कार्य में रुचि हुई और उनकी कई पुस्तकों का तेलुगु में अनुवाद किया। इस प्रकार वे आंध्र के ठाकुर के नाम से लोकप्रिय हो गए। रेड्डी ने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। वे 1930 के आरंभिक दौर में वेल्लौर और तंजावुर जेल में रहे। रेड्डी फरवरी 1937 में संयुक्त मद्रास विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और वित्त विभाग में महत्वपूर्ण पद संभाले। स्वतंत्रता के उपरांत रेड्डी 1955 में आंध्र के मुख्यमंत्री बने और नवंबर 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन तक ये पद संभाला। वे 1958 से 1963 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री रहे। बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी 2 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और उत्तर प्रदेश के रेलवे यात्री समिति के सदस्यों ने दुमका स्टेशन की यात्री सुविधाओं और खामियों को जानने के लिए 3 दिवसीय निरीक्षण शुरू किया है। सदस्यों ने यहां यात्री सुविधाओं का बारीकी से आंकलन किया और कमियों को जल्द से जल्द दूर करने का आश्वासन दिया। रेलवे यात्री समिति के सदस्यों ने दुमका स्टेशन का निरीक्षण किया। टीम में झारखंड से गुरविंदर सिंह सेट्ठी, बिहार से बेबी चिंकी और छत्तीसगढ़ से गुलाब सिंह टिकजरिया शामिल हैं। स्थानीय यात्री प्रतिनिधि के तौर पर पूर्व मंत्री लुईस मरांडी भी टीम में शामिल हुई। समिति के सदस्य गुरविंदर सिंह सेट्ठी ने बताया कि जो कमी सामने आएगी उसे रेलवे बोर्ड के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जाएगा। आज हमारी 3 सदस्यीय टीम भारत सरकार रेलवे बोर्ड से यात्री सेवा समिति की 3 सदस्यीय टीम 3 दिवसीय कार्यक्रम संस्थान में आई है।
जिसका शुरुआत आज हम लोग दुमका रेलवे स्टेशन से किए हैं। समिति के सदस्य बेबी चिंकी ने कहा कि कोरोना काल के बाद अब रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के आने का सिलसिला बढ़ा है। इसे देखते हुए रेलवे बोर्ड ने स्टेशनों पर यात्री सुविधा की समीक्षा कर उसे बेहतर बनाने की पहल की गई है। सबसे बड़ा चीज है कि अभी कोविड काल चल रहा था और कोविड काल में बहुत सारे लोगों के माने यहाँ आना जाना कम हो रहा था तो चल रहा था, लेकिन अब कोविड खत्म हो गया है तो लोगों का आना जाना बढ़ गया है। तो इस संदर्भ में हम लोग का जो दौरा चल रहा है कि हम बेहतर व्यवस्था दे सके, छोटी स्टेशन हो चाहे बड़ी स्टेशन हो, तो आज हम लोग का दौरा है आपके दुमका स्टेशन में। पूर्व मंत्री लुईस मरांडी ने रेलवे बोर्ड और भारत सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए महिलाओं के लिए बुनियादी सुविधा बढ़ाने पर जोर दिया है। स्टेशन का मुआयना किए हैं कि यात्रियों को क्या सुविधा हो रहा है या फिर असुविधा हो रहा है, और इस बाबत इन लोगों ने एक एक चीजों का बहुत ही बारीकी से देखा है कि क्या क्या होना चाहिए। तो एक चीज बाकी तो इन लोगों ने देखा, लेकिन एक चीज पर ध्यान दिया ये मैडम का बहुत ही अच्छा, हम भी इसका सराहना करते हैं। जैसे महिलाओं के लिए एक होता है ना, एक टॉयलेट अलग से हो। अभी जब इन्होंने बात किया महिला यात्रियों से तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को महिला सुरक्षा कर्मी अलग से चाहिए, तो ये नया फीडबैक आया, तो ये अच्छा है, इनके आने से ये नया चीज शुरू होगा। समिति ने दुमका रेलवे स्टेशन पर पानी और शौचालय और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवश्यकता से अधिक यानी सरप्लस भूमि का मुद्रीकरण करने के लिए राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना को दी मंजूरी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज आठवां दिन, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा इस बार पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिए बिना होगा राज्य में पंचायत चुनाव। प्रदेश भाजपा प्रभारी दिलीप सैकिया की मौजूदगी में हुई प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक, संगठन की शक्ति को और अधिक मजबूत बनाने की बनाई गई रणनीति। और कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता, कई दिनों बाद फिर से राजधानी रांची में सक्रिय संक्रमितों की संख्या पहुंची 100 के करीब। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी, जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल, जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार।